नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोटैटो होममेड चिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पिलर लेंगे और एक अच्छा बड़ा पोटैटो लेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा बिग साइज़ का पोटैटो होना चाहिए, मतलब आलू, और अच्छे बड़े साइज़ का आलू होगा तो अच्छे चिप्स निकलेंगे। तो इसको अच्छे से वॉश करके आप रख लीजिए। तो चलिए इसको पील करना स्टार्ट करते हैं। आलू को अच्छे से सफाई से पील करेंगे। पील करने के बाद इसको पानी के अंदर डाल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है एक बाउल के अंदर। तो अच्छे से पील करने के बाद हम इसको पानी में सोक करके रख देंगे। और बहुत ही अच्छे ये चिप्स बनते हैं, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे चिप्स मिलते हैं। ये देखिए, ये है मैंडोलिन, जिससे हमारे पोटैटो के चिप्स निकलेंगे। आप इसको नाइफ से भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा एक आपके पास स्लाइसर है, इसको मैंडोलिन भी बोलते हैं, स्लाइसर भी बोलते हैं, तो आप पोटैटो को इससे अच्छे से चिप्स निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी स्मूथ तरीके से इसमें से पोटैटो चिप्स निकल रहे हैं। और इसको बहुत सावधानी से यूज़ करना है। काफ़ी लोग जल्दी और फास्ट करने के चक्कर में अपना हाथ कट कर लेते हैं, और उसको बड़ी स्मूथ तरीके से और आराम से आप चिप्स निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे स्लाइस तैयार हैं, और ये ऐसे पोटैटो के स्लाइस निकालने के बाद पानी के अंदर हम लोग रख देंगे ताकि पोटैटोस का कलर चेंज ना हो। तो चलिए पोटैटो चिप्स को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। जो हमने पानी में सोक करके रखे थे पोटैटोस, उसको हम लोग बटर पेपर या फिर टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर आप रख के इनको सुखा सकते हैं। तो इनको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा आप, ताकि इसके अंदर ज़्यादा पानी ना रहे और ये अच्छे से फ्राई हो सके। तो ऐसे टिश्यू पेपर के ऊपर बिछा के आप इसको ड्राई कर लें। और मैं अपने यहाँ पे सारे के सारे पोटैटो के स्लाइसेस को ड्राई कर लेता हूँ, और फिर इसको हम लोग फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपना कढ़ाई भी चढ़ा के रखी है, ताकि मेरा ऑयल वार्म हो जाए। अच्छे से पानी सोक हो जाने के बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे, और थोड़ा ध्यान से करें ताकि इसके अंदर थोड़ा पेपर आपका ना आ जाए। तो ये इसमें ये चिपक गया है थोड़ा सा, और ये हम लोग डाल के चेक कर लेंगे। देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। तो ऐसे आप फ्राई करना, एक एक पीस डाल के फ्राई करना। इसके अंदर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉर्नफ्लावर, ना ही कुछ आपको मैदा डालना है। सिर्फ आप इसको स्लाइस करिए, वॉश करिए और सीधा ऑयल के अंदर डाल दीजिए। और घर में बनाने के लिए बहुत ही सिंपल डिश है और बहुत ही अच्छी लगती है। आपको बाहर मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है प्रोसेस्ड चिप्स की, जो मार्केट में लेज है, बाकी ब्रांड्स हैं, तो वो प्रोसेस ना खाएं, वो बहुत ज़्यादा ऑयली और सॉल्टी होते हैं। और आप ये ऐसा होममेड यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में बनाइए और खाइए। तो मेरा यही सजेशन है। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और इसको हम लोग सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए हमारे ऑलमोस्ट आलू फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सुनहरा गोल्डन, और इनकी क्रिस्पीनेस भी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। और एक प्लेट के अंदर हम लोग टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर इस फ्राइज को निकालेंगे। तो अभी थोड़ा सा और ज़रूरत है, जैसा कि मैंने अभी चेक करा है, और इसको अच्छे से आँच के ऊपर इसको फ्राई होने देंगे। देखिए ये थोड़ा सा फोल्ड होने शुरू हो गए, फोल्ड यानी कि इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई, इसका मतलब ये अच्छे क्रिस्पी हो गए। और ये देखिए क्रिस्पी,
और ऐसे हम लोग पेपर के ऊपर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे अपने चिप्स निकाल लिए टिश्यू पेपर के ऊपर। तो चलिए अब इनकी सीजनिंग करेंगे। तो मैं एक बाउल ले लेता हूँ, उस बाउल के अंदर हम लोग इसको डालेंगे, जिनका ऑयल भी पूरा सोक हो चुका है, टिश्यू पेपर में पूरा सोक कर लिया है ऑयल और ये ड्राई हो गए अच्छे से। तो इस बाउल के अंदर मैंने अपने पोटैटो चिप्स ले लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीजनिंग की। मैंने इसके ऊपर सॉल्ट डाला है, सॉल्ट डाल के इसको टॉस करना है। तो चलिए इसको सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट के अंदर हमारे जो चिप्स हैं पोटैटो चिप्स उनको डालेंगे। और ये जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था बर्गर सैंडविच, तो उसके साथ आप इसको पोटैटो चिप्स को सर्व कर सकते हैं, जो एक बेसिक डिश है, बेसिक सिंपल रेसिपी है जो हमने रेडी की है। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो उसमें थोड़ा रेड चिली डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आपको चाहिए हो वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। चाट मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो वेरी सिंपल और बेसिक रेसिपी फॉर स्टूडेंट्स एंड होम शेफ्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।